मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर जोही हमसे कहती है कि दुनिया में तीन टाइप के प्यार होते हैं, पहला फेरी टेल जैसा जो रियल नहीं होता, दूसरा प्यार रियल वर्ल्ड में होता है जो बहुत ही बोरिंग और ड्राई होता है, अगर तुम उसके लिए रोते हो तो किसी को भी तुम्हारे लिए सॉरी फील नहीं होता। अब तीसरे टाइप के प्यार की कहानी इस मूवी में हमें पता चलेगी। फ्लाइट में हम हमारी मेन कैरेक्टर जोयू को रोता हुआ देख सकते हैं, वहां पर हमारा और एक मेन कैरेक्टर था जिसका नाम था लिन। लिन उसे रोता देखकर एक टिश्यू पेपर दे देता है, वो पूरे फ्लाइट तक रोती रही। आज वैलेंटाइन डे था तो एक छोटे से बच्चे से वो फूल खरीद लेती है। ये सब कुछ लिन ने देखा तो सरप्राइज था। जोयू अपनी सिस्टर के पास घर पर आए, सारा घर सजा हुआ था, वो बाथरूम देखती है तो उसकी सिस्टर ने सुसाइड करने का ट्राई किया था। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी सिस्टर को डिप्रेशन है, वैलेंटाइन डे की वजह से उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुई। डॉक्टर उसे बचा लेते हैं और जोयू ने उसे पूछा कि हुआ क्या था। उस लड़के को मैं कॉल करती हूँ। जोयू ने अपनी सिस्टर का मोबाइल चेक किया तो उस लड़के को उसने बहुत मैसेज किए थे और वहां से कोई भी रिप्लाई नहीं आया था। जोयू लॉयर थी और उस लड़के का नाम वो निकाल लेती है। डायरेक्टली उसकी कंपनी में वो पहुंच गए और उसे क्या पता था कि लिन उस कंपनी का सीईओ है। उसे इस तरीके से मिल नहीं सकती थी, वो डायरेक्टली अंदर घुस जाती है। उसने पूछा कि मेरी सिस्टर के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है। लिन कहता है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे उसे रॉन्ग सिग्नल मिले। जोयू ने कहा कि उसने तुम्हें बहुत सारे मैसेज किए थे। लिन उसे अपना मोबाइल दे देता है, कहता है कि यहाँ पर सिर्फ काम के मैसेज ही मैं रीड करता हूँ। जोयू ने रियलाइज किया कि लिन उसकी सिस्टर का एक तरफा प्यार था। उसे सॉरी कहती है, उसने कहा कि मैं सब कुछ सॉर्ट आउट कर दूंगी, मेरी सिस्टर को रिजाइन करने के लिए कहूंगी। लिन कहता है कि हमारे एम्प्लॉय इस तरीके से हमें छोड़कर नहीं जा सकते, उन्होंने एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है, इसके लिए जोयू कुछ ना कुछ तो करने वाली थी। उसकी सिस्टर ने कहा कि लिन को दूर से देखकर मैं खुश हूँ, वैसे ही उसके प्यार में वो रह सकती थी। जोयू ने कहा कि तुम इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही हो, वो कभी भी तुमसे प्यार नहीं करने वाला, तुम्हें वहां पर फिर से वापस जाने की जरूरत नहीं है। उसने अपने सिस्टर का कॉन्ट्रैक्ट अपने कलीग के साथ डिस्कस किया पर इसमें कोई भी लूप होल नहीं थे, उसकी सिस्टर को वहीं पर काम करना पड़ेगा। अचानक से जोयू को उसके क्लाइंट की वाइफ से कॉल आ जाता है, वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था और ऊपर बिल्डिंग पर चढ़ गया था। उसके एक्सीडेंट के बाद कंपनी ने उसे पैसे नहीं दिए थे, उसकी वजह से सुसाइड करने की धमकी दे रहा था। सब लोग बहुत ही ज्यादा डर चुके थे, ये कंपनी लीन की ही थी तो वो भी जल्दी से यहाँ पर पहुंच जाता है। जोयू को यहाँ पर देखकर सरप्राइज था, उसने जल्दी से ऑर्डर दिया और उस कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए पैसे वो मंगा लेता है। ऊपर से कह रहा था कि मैं सिर्फ मेरी लॉयर से पैसे लूंगा। जोयू हाइट से बहुत ही ज्यादा डरती थी पर फिर भी ऊपर गए। लीन उसे सहारा देता है, स्लोली स्लोली उसे कंस्ट्रक्शन वर्कर के पास लेकर गया। वो तो पहले उस पर बिलीव नहीं कर रहा था पर जोयू करेज दिखाती है, उसके पास जाकर उसे पैसे दिखा देती है। दोनों ने मिलकर उसकी जान बचा ली। इसके बाद लीन जोयू को डिनर के लिए लेकर गया। आज लीन ने जो भी किया इसके लिए जोयू से थैंक यू कहती है। उसने कहा कि आप बहुत अच्छे हो, प्लीज मेरी सिस्टर को अपनी कंपनी से फायर कर दो। लीन कहता है कि ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं उसे एक अलग डिपार्टमेंट में डाल दूंगा जहां पर मुझे देख नहीं पाएगी। जोयू ये सब देखकर बहुत इंप्रेस थी, वो कहती कि तुम एक्चुअल में लोगों के प्रॉब्लम सुनते हो, इसके बाद उन्हें सॉल्व करने का ट्राई करते हो। जरा लेट हो चुका था तो लीन कहता है कि मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूं, जोयू का घर पास ही है तो इसके लिए मना कर दिया। अचानक से बारिश आने लग गई, वो अम्ब्रेला लेकर उसके साथ चलता है, उसे ड्रॉप कर देता है। घर पर जोयू की सिस्टर ने आज जोयू और लीन ने जो भी किया था इसके बारे में ऑनलाइन पढ़ लिया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीन अपनी बचपन की फ्रेंड को लेने के लिए एयरपोर्ट पर आया था, जो कुछ सालों के लिए अलग कंट्री में पढ़ने के लिए गई हुई थी। उसे देखकर बहुत ही एक्साइटेड थी, इसका नाम है नायो। नायो कहती कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब हम दोनों बड़े हो जाएंगे तो एक दूसरे से शादी कर लेंगे। लीन इस बात को हंसकर इग्नोर कर देता है। उसके साथ उसके घर पर आए और काम पर उसी के साथ आना चाहती थी। लीन उसे चकमा देकर वहां से भाग जाता है। कल जोयू और लीन की न्यूज देखकर सब लोग बहुत ही एक्साइटेड थे। जोयू को सारी लड़कियां उसी के बारे में पूछ रही थी। ऑफिस के बॉस ने जोयू से बात की, वो कहते हैं कि लीन की लीगल टीम ने उसे धोखा दिया था, उसकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन उन्होंने लीक कर दी थी, इसी वजह से एक नए फर्म को ढूंढ रहे हैं। अगर हमें उनका अकाउंट मिल जाता है तो हम सब लोग बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएंगे। जोयू के फ्रेंड ने कहा कि जोयू तो उसे जानती है, उसे कॉल कर सकती है। जोयू कहते कि मैं उसे ज्यादा जानती नहीं पर फिर भी उसे कॉल करने के लिए फोर्स करते हैं। लीन की कंपनी में प्रेजेंटेशन देने के लिए उन्हें चांस मिल गया। प्रेजेंटेशन जोयू का फ्रेंड देने वाला था पर अचानक से उसे ज्यादा प्रेशर आ जाता है, इस प्रेशर में उसे टॉयलेट जाना पड़ा। जोयू उसके लिए प्रिपेयर नहीं थी पर फिर भी उसके बॉस उसे प्रेजेंटेशन देने के लिए कहते हैं। जोयू लीन को देखकर कहती है कि हमारी फर्म छोटी है पर हमने कभी भी केस नहीं हारा, आप जो भी हमसे कहेंगे हम बहुत ही अच्छी तरीके से सोचेंगे और आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी इसे सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। यही बात जोयू को लीन में अच्छी लगती थी और वही वो ऑफर कर रही थी। लीन की कंपनी ने हायर कर लेती है और सब लोग बहुत खुश थे। रात में वो पार्टी करने के लिए चले गए। जब जोयू घर पर आए तो लीन का ड्राइवर उसका वेट कर रहा था, उसे लीन के पास लेकर आता है। जोयू लीन को थैंक यू कह दिया, वो कहती है मुझे पता है हमारी कंपनी उतनी बड़ी नहीं है फिर भी मेरी वजह से तुमने मुझे जॉब दे दिया। लीन कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम्हारे लिए जो भी कर सकता हूँ वो सब कुछ मैं करूंगा, मुझे मेरी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना नहीं आता, इसी वजह से जो भी है वो मैं कह देता हूँ। जोयू ने कहा कि अगर मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करती तो क्या तुम हमारा कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दोगे। लीन ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। जोयू कहती है कि मैं सिंड्रेला जैसी लव स्टोरीज पर बिलीव नहीं करती, उसे नहीं लगता कि लीन एक्चुअल में उसे लाइक करता है। वो कहकर चली गई कि हमने अब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया, अगर तुम्हें चाहिए तो कैंसिल कर दो। घर आने पर जोयू की सिस्टर से कहती है कि लीन की कंपनी में मेरा डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं। जोयू ने कहा कि वो तुम्हारा बॉस है, तुम दोनों के बीच में कभी भी कुछ भी होने नहीं वाला। सिस्टर पूछती है उस दिन पर तुम रूफ पर क्या कर रहे थे। जोयू ने कहा कि मैं सिर्फ अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट कर रही थी, अपनी सिस्टर को खुश देखना चाहती थी, इसी वजह से अगले दिन उसे एक ब्लाइंड डेट पर लेकर जाती है। वो लड़का अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहा था पर सिस्टर को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, वो
उन्हें जबरदस्ती मूवी के लिए भेज देते हैं। रात में जोयो को लीन का कॉल आया, उसे डिनर के लिए पूछता है। उसने डिनर पर उसे कहा कि हम दोनों पहले मिले हुए हैं, तुम फ्लाइट पर बहुत रो रही थी, मैंने तुम्हें टिश्यू पेपर दिया था। जोयो को याद आया पर वो बहुत एम्बेरस थी, इसी वजह से लीन का फेस उसने देखा नहीं था। लीन कहता है कि इस तरीके से सबके सामने रोना ये बहुत ही करेजियस था। उसे पूछता है कि तुम रो क्यों रही थी। जोयो कहती है कि उस दिन मेरे फर्स्ट हस्बैंड के साथ मेरा डिवोर्स फाइनलाइज हुआ था। लीन कहता है कि वो पागल था, तुम जैसी लड़की को उसे छोड़ना नहीं चाहिए था। जोयो सब्जेक्ट चेंज करती है, उसने लीन से कहा कि तुम्हारी तो शादी हो रही है। लीन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है, मेरे यहाँ पर कोई भी फ्रेंड्स नहीं, वो भी एक अलग कंट्री में जाकर सीख रहा था। वो जोयो को कह देता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इसी वजह से तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। जोयो कहती है कि पहले मेरी शादी फिक्स हो गई थी, कैसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लीन कहता है कि इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जोयो इस बात पर सोचने लग गए तो लीन उसके करीब आ गया और उसे किस कर लेता है। जोयो उसे मना कर वहां से चली गई, रात में उसके बारे में सोच रही थी। अगले दिन लीन डायरेक्टली उसके ऑफिस में पहुंच जाता है। ऑफिस के सब लोग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। लीन कहता है कि कल रात मैंने जो भी किया अगर वो गलत था तो इसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। जोयो कहती है कि मैं फिर से प्यार में नहीं पड़ना चाहती, प्यार में आदमी सब कुछ चीजें भूल जाता है, पागलों जैसे बिहेव करता है और बाद में उसे रोना पड़ता है। जोयो कहता है कि क्या तुम्हें मेरा प्रपोजल सिंसियर नहीं लगा, मैं सचमुच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जोयो कहती है कि अगर तुम सिंसियर होते तो यहाँ तक नहीं आते। लीन कहता है कि तुम सिर्फ डर रही हो। और फिर वो यहाँ से चला गया। वो जरा सोच रहा था तो उसके लिए लंच लेकर नायो आती है। लीन को उसके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसकी कंपनी रियल एस्टेट बाय कर रही थी, इस सब का काम जोयो की कंपनी कर रही थी। जोयो का फ्रेंड उसके साथ आया था, वो एक अलग कंट्री में जा रहे थे तो जोयो का फ्रेंड उसके साथ आया था। वो मजाक में कहता है कि मैं जोयो का बॉयफ्रेंड हूँ, पर इस पर वो हंस देती है। इनकी डील कंप्लीट हुई और जोयो ने देखा कि लीन के लिए कितने लोग काम करते हैं। लीन के लिए काम करने वाला एक आदमी उसे कहता है कि लीन के लिए कंपनी सब कुछ है। उसकी मदर की डेथ हो जाने के बाद 10 साल उसे एक अलग कंट्री में जाकर स्टडी करना पड़ा, अपनी कंपनी को बहुत आगे ले जाना चाहता है। रात में जोयो बीच के पास वॉक कर रही थी, वहां पर लीन भी था। वो अपनी एक फोटो जला रहा था, वो कहता है कि आज के दिन उसकी मदर की डेथ हुई थी, वो हर साल अपनी फोटो जलाता है ताकि उसकी मदर उसे देख पाए। जोयो कहती है कि तुम्हें अपनी अच्छी फोटो भेजनी चाहिए थी, इसमें तुम स्माइल भी नहीं कर रहे। लीन कहता है कि मेरी लाइफ में स्माइल करने के लिए ज्यादा चीजें नहीं है, वैसे तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है। जोयो कहती है कि मैं पुअर हूँ फिर भी अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ। लीन कहता है कि क्या मैं तुम्हें खरीद सकता हूँ। जोयो ने कहा कि ऑलरेडी तुमने मुझे खरीद लिया है, मैं तुम्हारे लिए काम कर रही हूँ। लीन कहता है कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से पाना चाहता हूँ। नेक्स्ट डे लीन के असिस्टेंट के साथ जोयो कॉफी पी रही थी। असिस्टेंट कहता है कि आजकल लीन यहाँ पर कॉफी नहीं पीता, अपने घर से 30 मिनट ड्राइव कर वो कहीं और जाता है। जोयो ग्लासेस लगाकर उस कैफे में आई, वो रियलाइज करती है कि हर रोज काम पर जाते वक्त वो यहीं से गुजरती है। लीन उसे हर रोज देखना चाहता है, इसी वजह से 30 मिनट ड्राइव कर यहाँ पर आता है। वो आज जाकर उसे कन्फर्म करती है, पूछते कि क्या तुम हर रोज यहाँ पर आते हो। लीन ने कहा कि कभी कभी आता हूँ। उसे कॉफी के लिए पूछता है पर जोयो वहां से चली गई। लीन ने उसे कॉल किया, कहता है कि कुछ दिनों के लिए बिजनेस की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ेगा, क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ। जोयो इसके लिए हाँ कहती है और स्माइल कर चली गई। कुछ दिनों बाद लीन कॉल करता है और कहता है कि कल मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, हम दोनों रात में डिनर कर सकते हैं। जोयो ने कहा कि कल मुझे क्लाइंट से मिलने के लिए हांगकांग जाना पड़ेगा तो वो भी एयरपोर्ट पर होगी। इनके पास बीच में 2 घंटे का टाइम था तो वहीं पर मिलने का वो डिसाइड करते हैं। एयरपोर्ट आकर जोयो ने लीन को कॉल किया तो लीन कहता है कि मेरी फ्लाइट डिले होगी, इसी वजह से उसे जरा लेट होगा। उसे लास्ट मोमेंट तक वेट करने के लिए कहता है। जोयो के फ्लाइट के अनाउंसमेंट होगी और अब उसे जाना पड़ेगा, तभी लीन उसके पीछे आ जाता है। उसे देखकर बहुत खुश थी, इस तरीके से बोर्डिंग के वक्त अंदर आना अलाउड नहीं था तो जोयो कहती कि तुम यहाँ पर आए कैसे। जोयो कहता है कि मेरे पास बहुत सारे वेज है। वो अंदर जाने लग गए तो लीन भी उसके पीछे पीछे आ गया, उसने भी जोयो के साथ हांगकांग का टिकट बुक कर लिया था। इसके बाद वो होटल में आते और दोनों इंटीमेट हो गए। जोयो को लीन के साथ बहुत अच्छा लगता है और अपने हार्ट को फॉलो करने का डिसाइड करती है। एक दूसरे के साथ अलग अलग जगह पर जाकर बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। जोयो ने उसे एक स्कार्फ गिफ्ट किया, वो कहती कि ये तुमने पहना, इस वजह से वो रीच लगने लग गया। लीन उसे आई लव यू कहता है, उसने कहा कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खुश रखना चाहता हूँ। जोयो कहते हैं कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। लीन कहता है कि फ्यूचर के बारे में चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अगले दिन लीन को जरा जल्दी जाना पड़ा पर जोयो के लिए गाड़ी वगैरह उसने सब कुछ बुक करके रखी थी। उसे अपना क्रेडिट कार्ड भी दे देता है। फिर से मिलने पर उसके साथ वो डांस के लिए जाना चाहता था। लीन के असिस्टेंट ने फर्स्ट टाइम उसे इतना खुश देखा था। जोयो से कहता है कि तुम्हारे साथ है इसी वजह से फर्स्ट टाइम इतना खुश है, शायद उसके पास तुम्हारे लिए टाइम ना हो पर उसे अंडरस्टैंड कर लेना। कंट्री में आने के बाद उसके घर पर आई, लीन उसके साथ इंटीमेट होने लग जाता है। जोयो कहती कि अगर हम दोनों रिलेशनशिप में रहे तो मेरी कुछ कंडीशंस है। उसने उसका क्रेडिट कार्ड उसे वापस कर दिया और कहती कि मुझे तुम्हारे पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर हम दोनों एक्चुअल में एक दूसरे से मिलना चाहते हो और दोनों के पास टाइम है तभी हम मिलेंगे, एक दूसरे को कोई भी ऑर्डर्स नहीं देंगे। लीन कहता है कि अगर तुम्हें उस टाइप की रिलेशनशिप चाहिए तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, पर एक बात याद रखना कि तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो दोनों इंटीमेट होने लग गए और वहां पर नायो आ जाती है। वो आज लीन के लिए फिर से खाना लेकर आई, उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवा देता है। नायो ने पूछा कि क्या जोयो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। लीन कहता है कि हाँ। उसे पूछते कि क्या तुम दोनों शादी करना चाहते हो। लीन इसके लिए भी हाँ कहता है। नायो बहुत प्यार करती थी, इस वजह से उसे बहुत बुरा लगता है। जब जोयो और लीन वैकेशन के लिए थे तो वहां पर किसी ने उसका पीछा कर उनकी फोटो निकाल ली थी, ये लीक हो गई और इसी वजह से कंपनी बदनाम होने लग गई। लीन के फादर को लग रहा था इस तरीके से उसके अफेयर की न्यूज
बाहर नहीं आनी चाहिए। उनकी कंपनी ऑलरेडी ट्रबल में आ गई थी। इसका रीजन लिन का ब्रदर था जो सारे पैसे लेकर भाग गया था। इन सब बातों की वजह से लिन बहुत ही ज्यादा टेंशन में था। जोही पूछते कि हुआ क्या, अपने ब्रदर के बारे में उसे बता देता है। वो कहता है कि फंड्स लाने के लिए मुझे जरा बाहर जाना पड़ेगा, कुछ दिनों के लिए उसे वो मिल नहीं पाएगा। उसे उसका ख्याल रखने के लिए कहता है। अलग अलग लोगों के साथ उसने मीटिंग की पर उसे कोई भी हेल्प नहीं कर रहा था। लिन की एम्प्लॉय ने जोही से बात की, कहा कि तुम्हारा और लिन का अफेयर सही नहीं है, उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ऐसे कंपनी को बहुत फर्क पड़ता है। लिन वापस आ गया और जोही का उसी कैफे में वेट कर रहा था। उन दोनों ने एक दूसरे को बहुत मिस किया था। लिन कहता है कि फिर से पैसे बोरो करने के लिए मुझे जरा जाना पड़ेगा, अगर मेरे पास कुछ भी नहीं होता क्या फिर भी तुम उससे प्यार करती? जोही मजाक करती है, मैं तुम्हें छोड़कर चली जाती। लिन उसे गिफ्ट देता है, एक टिश्यू पेपर है। हर दिन जोही का रास्ता क्रॉस करना पड़ता था और वहां पर कोई भी ब्रिज नहीं था। लिन उसके लिए वरी करता है, उसे केयरफुल रहने के लिए कहता है। कंपनी की हालत देखकर लिन के फादर ने उसे मजबूर किया कि नायो के साथ शादी कर ले। नायो के फादर भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इस वजह से उनकी कंपनी बच सकती थी। नायो खुद जाकर जोही को यह सब बात बता देती है। उसने कहा कि मेरे और लिन के मैरिज के डॉक्यूमेंट्स तुम ही रेडी करना। लिन को बहुत बुरा लग रहा था। रात में जोही से मिलने के लिए आ गया, उसका कॉल उठा नहीं रही थी। जोही कहती कि अब हम दोनों एक दूसरे को मिल नहीं पाएंगे। लिन कहता है कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। जोही कहती कि मेरी सिस्टर घर में है, अगर उसने हमें देख लिया तो उसे बहुत बुरा लगेगा, हम दोनों के बीच में कोई भी फ्यूचर नहीं है, प्लीज मेरी लाइफ से चले जाओ। लिन कहता है कि प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। जोही कहती कि अपनी कंपनी को बचा लो, नायो वैसे बहुत बुरी नहीं है। जोही के पास लिन का शर्ट था, ये देखकर वो बहुत रोती है। ये उसकी सिस्टर ने नोटिस किया था। उसने लिन और नायो के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी किए। साइनिंग के वक्त लिन कुछ भी बोल नहीं पाया। रात में जोही अपने फ्रेंड के साथ ड्रंक हो जाती है, उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो लिन को इस तरीके से खोने के लिए बहुत डर रही थी। लास्ट टाइम उसके साथ डांस भी नहीं कर पाई। जोही के फ्रेंड की शादी थी, लिन उसे बात करना चाहता था तो शादी में वो आ जाता है। उसे देखकर सब लोग पहचान लेते हैं, उसे घेरने लग गए। जोही वहां से जाने लगे पर वॉशरूम में उसे ढूंढ लेता है, उसे सॉरी कहता है और अपने साथ लेकर जाता है। ये सारी चीजें जोही की सिस्टर ने देखी थी। लिन कहता है कि मेरी पूरी लाइफ सिर्फ पैसे मुझे कंट्रोल करते आए, और वो पूरी तरीके से बदलना चाहता था। उसके मदर और फादर के मैरिज में भी कभी भी प्यार नहीं था, ऐसा अपने साथ नहीं होने देना चाहता। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि कहीं दूर भाग जाएंगे। अचानक से जोही को उसकी सिस्टर का कॉल आया, वो बिल्डिंग के ऊपर चली गई थी और वहां से सुसाइड करने वाली थी। जोही और लिन के बारे में पता चलने के बाद वो बहुत ही हर्ट हो चुकी थी। दोनों उसे बचाने के लिए आए, जोही उसे समझाने की कोशिश करती है पर वो मानती नहीं। उसे लग रहा था कि जोही ने उसे बेवकूफ बनाया। वहां से जम करती है पर लिन ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब वो छोटा था तो उसकी मदर ने भी पानी में जम किया था, उस वक्त उसे बचा नहीं पाया था। जोही की सिस्टर खुद बचना नहीं चाहती थी, उसने नीचे जम की पर लोगों ने उसे बचाने के लिए कुछ बिछा हुआ था, फिर भी उसे इंजुरी आती है और हॉस्पिटल में उसे ले जाया जाता है। लिन और जोही रियलाइज करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते क्योंकि जोही की सिस्टर को बहुत हर्ट करेगा। लिन ने नायो से शादी नहीं की, अपनी कंपनी को बचाने के लिए उसे बैंकॉक में जाकर काम करना पड़ रहा था। लिन और जोही एक दूसरे से बहुत दूर थे पर फिर भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जोही का रास्ता क्रॉस करना लिन को बहुत ही डेंजरस लगता था तो उसके लिए उसने ब्रिज बनवा दिया था। ये देखकर जोही को बहुत रोना आता है। लिन हमसे कहता है कि हमारा प्यार तीसरे टाइप का था, वो एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते थे पर हमेशा उन्हें दूर रहना पड़ेगा, हमेशा वर्ल्ड से उन्हें छुपना पड़ेगा, और फिर भी वो हमेशा एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे। जो पल उन्होंने एक साथ बीता है किसी भी हैप्पी एंडिंग से कम नहीं थे। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको